अपना पेच लड़ते हुए, रेंज 500 मीटर। मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से जो पतंग है वो हमारी पतंग है, प्लेयर लड़ा रहे आनंद भैया, और नीचे से पेच है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर से राइट हैंड साइड से प्लेयर लड़ा रहे हैं। स्क्रीन पर जो आपको पतंग दिख रही है राइट हैंड साइड पे, रेंज है 500 मीटर। और अब आगे इस वीडियो काफ़ी अच्छी है, नए ग्राउंड है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी कम रहेगा। सही हो चुका है, रेंज कम से कम मेरे यहाँ से मतलब डिस्टेंस होगी 600 मीटर, क्योंकि मैं 100 मीटर काफ़ी पीछे खड़ा हुआ हूँ। आगे जाके वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मेरे हाथ में कभी कभी पतंग होती है, इस वजह से। बहुत अच्छा पेच काटा, kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden, kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like your relation, I gave you my heart, but now it's hard to mention, I don't feel the spot when you say my name, reconnection from separate sections, Rohit bhaiya, part 2 apni patang taiyar karte huye, dekh sakte hain aap, ग्राउंड में आपको दिखाऊं कैसा है। तो इस तरीके से छोटी छोटी गेटियाँ हैं, ये रोड देख सकते हैं आप, और नीचे थोड़ी समतल जगह है ग्राउंड की, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, उबड़ खाबड़ नहीं है यहाँ पे, बट जगह नहीं बन पा रही है क्योंकि हवा की डायरेक्शन ये है। अगर हवा की डायरेक्शन ये होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ग्राउंड छोटे पेच के लिए, नॉर्मल के लिए काफ़ी अच्छा है। बादलों की वजह से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो लड़ा रहा है रोहित, जिनका दूसरा नाम गोलू के नाम से जानते सब। सही हो चुका है, रेंज 500 मीटर। बादलों की वजह से इतना सा खास फोकस नहीं आ रहा। बहुत प्यारा पेच काटा है यार नीचे वाले ने, लाजवाब। पतंग अंदर होने की वजह से प्लेयर को नीचे से बुलाया है। आपको बता देता हूँ, राइट हैंड साइड स्क्रीन से जो पतंग लड़ रही है ऊपर की तरफ से, वो अपोनेंट लड़ा रहे हैं, और नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से जो आप पतंग देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो हमारी पतंग है, प्लेयर लड़ा रहे हैं पीयूष भैया। ऊपर वाले ने दो पतंग काट रखी है, पतंग बचाई। ये जो पेच लड़ रहे हैं थोड़े से चिराग काम है, और रेंज वही है 500 मीटर। थोड़े से बादल कम हो गए हैं, देख सकते हैं आप, पेच में काफ़ी कमी होती है, पर वो इस तरीके से हम बोल नहीं सकते क्योंकि लड़ाने वाले प्लेयर सब अच्छे होते हैं, तो उनमें क्या कमियाँ हैं क्या नहीं है वो। हम खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कई बार ऐसा होता है प्लेयर करना कुछ और चाहता है, कभी कुछ और हो जाता है। बहुत अच्छा पेच काटा, लेकिन तीन कंटिन्यू पतंग काट चुके हैं अपोनेंट, और आनंद भैया लगातार मेहनत कर रहे हैं, झाड़ियाँ हटा रहे हैं ताकि यहाँ से गाड़ी जो चलाते हैं उनको कांटे वांटे ना लग जाएं, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। सेम वही स्थिति,
नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से प्लेयर लड़ा रहे हैं रोहित, सही हो चुका है, और ऊपर से राइट हैंड साइड से लड़ा रहे हैं अपोनेंट। स्क्रीन पे जो आपको पतंग करी है राइट हैंड साइड पे, पतंग तैयारी करके नीचे से ऊपर लेते जा रहे हैं रोहित, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा सोच समझ कर पेच चढ़ाते हैं। अपोनेंट से कम 3 पतंग काट चुके हैं, देखिए कितना सबर। डोरा नहीं मिला, रेंज वही लड़ रही है 500 मीटर। पेच होगा दोबारा शायद, बिल्कुल आई थिंक मुझे सही करवाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं, नीचे की तरफ से रोहित लड़ा रहे हैं और ऊपर से अपोनेंट लड़ा रहे हैं राइट हैंड साइड से, रेंज वही 500 मीटर। बहुत अच्छा पेच काटा, ये हमारा अपोनेंट है। एक पतंग छूट रही है, सोचो अब रोहित भी आने पतंग ऊपर से लड़ा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो हमारी पतंग है, हमारी टीम की प्लेयर लड़ा रहे रोहित, और नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर अपोनेंट, सही हो चुका है। बहुत प्यारा पेच काटा, kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden, kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation, I gave you my attention, but now it's hard to mention, I don't feel a spark when you say my name, reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction, if it's sun up to sundown, we mess around, we'll wait to evolve now. राइट हैंड साइड स्क्रीन से जो आप पतंग देख रहे हैं वो हमारे अपोनेंट की है, और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड से पतंग लड़ा रहे हैं प्लेयर है रोहित, गोलू बॉस के नाम से इसे जानते हैं, और अल्टीमेट पेच काटा, ऊपर से लड़ा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आपको दिख रही थी पतंग, ये रेड शर्ट में देख सकते हैं इनको, दो रोहित हैं, एक रोहित बॉस के नाम से जानते हैं, एक इनको रोहित के नाम से आते हैं, आनंद भी अपनी पतंग तैयार करते हुए मुद्देदार।
विशाल ने अपनी पतंगें काफ़ी तैयार कर ली हैं, बहुत सारी। कितनी तैयार करी विशाल आपने? चार बना ली हैं। और फिर आपने पीयूष भैया को किस लिए रखा है यहाँ पे अभी? ध्यान रखने के लिए अपनी पतंगों का। ये तो घर से ही मना लेते हैं, 10-15 बंदा होता है। अच्छा, क्या बस बैठे रहते हैं, तो मना के छोड़ नहीं। अब हम तो क्या यही बनाते हैं मेला में। सही है, तो आप अपनी भी पतंग दे दिया करो ना उनको एक्स्ट्रा बनाने के लिए। आप कृपया करके अपने वीडियोग्राफी में ध्यान रखें, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। जगह देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दो दिग्गज खिलाड़ी हैं यहाँ पे। एक नंबर आनंद अभी अपनी पतंग छोड़ रहे हैं, दिखाएंगे अभी सबके वाले पेच। रोहित भैया ने बहुत बेहतरीन पेच काटा अभी तुक्के से तुक्का लग गया अपना। वो आजकल बहुत ज़्यादा तुक्के लगते हैं। विशाल ने अपनी बहुत ढेर सारी पतंगें तैयार कर ली हैं। कैसे हैं आप भैया? कैसा चल रहा है माहौल यहाँ पे? माहौल एक नंबर है, पेड़ पेड़ उग गए बारिश से। और हवा कैसी है? बढ़िया। नीचे से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे आप जो पतंग देख रहे हैं वो हमारी पतंग है, प्लेयर लड़ा रहे हैं रोहित गुल्लू बॉस। और ऊपर से राइट हैंड साइड से जो पतंग लड़ रही है वो हमारे अपोनेंट लड़ा रहे हैं। गद्दा मारा, बहुत ही प्यारा पेच पलट के काटा, एक्सप्लेन नहीं कर पाया इतनी जल्दी, पेच लड़ गया उससे पहले। Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, 'cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. नीचे से left hand side screen से जो आप पतंग देख रहे हैं, वो हमारी पतंग है। गोलू बॉस पेच उड़ा रहे हैं, बहुत प्यारा पेच काटा। पेच फटाफट से लड़ गया, ऐसा नहीं है। मैं बहुत देर में पतंग के हाथ लगा पाया, सॉरी कैमरा पकड़ पाया हूँ। अपनी पतंग पकड़ के रखा था, आनंद ने पतंग संभाल रखी, मैं नहीं दे सकते आप इस वजह से। लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो हमारी टीम की पतंग है, प्लेयर लड़ा रहे हैं गोलू बॉस, जिन्हें रोहित के नाम से मतलब नेम है इनका। और ऊपर से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जो पतंग दिख रही है आपको वो अपोनेंट की है। अपोनेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खड़े, ये रहे, सही हो चुका है। बहुत अल्टीमेट पेच काट दिया, नीचे से राइट हैंड साइड से अपोनेंट लड़ा रहे हैं। और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आपको पतंग दिख रही है वो हमारी टीम के प्लेयर लड़ा रहे हैं आनंदिया। सही हो चुका है, रेंज है 700 मीटर। बादल थोड़े कम हैं इस वजह से आपको पतंग अच्छे से दिख रही है, वरना 400 गज पे भी बहुत मुश्किल से दिखती है। बहुत बढ़िया पेश काटा, to just get out.
पेच लड़ रहे हैं तकरीबन 1100 मीटर या फिर कह सकते हैं आप 1000 या 1100 मीटर के आसपास पेच लड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से हमारी पता बहुत ही बेहतरीन पेच काटा 1100 मीटर पे। पेच काफ़ी दूर है 1000 या 1100 मीटर। इस बार पेच लाने रोहित गुलू बॉस नीचे से हैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आपको पतंग दिख रही है वो उनकी पतंग है और ऊपर से लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से जो पतंग है वो अपोनेंट की है। ये काट चुके हैं अपोनेंट बहुत प्यारा पेच काटा गुलू बॉस ने इनका पेच काटा है। इन्होंने अभी दो पतंग कंटिन्यू बहुत अच्छे काटे। कैसा पेच था आनंद भैया? बहुत अच्छा था। बाहर खींच के रोक दिया था चक्कर पे बहुत बढ़िया सामने तो खींचता चला गया कट गया। ठीक है भैया थैंक यू। नीचे से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो हमारी टीम की पतंग है। प्लेयर लड़ा रहे हैं गोलू बॉस अभी तक कंटिन्यू 3 पेच काट चुके हैं। अब रेंज लड़ रही है 400 मीटर और ऊपर से राइट हैंड साइड से अपोनेंट बहुत प्यारा पेच काटा है जजमेंट से। नीचे से लेफ्ट हैंड साइड से जो पतंग लड़ रही है स्क्रीन पे आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड पे और वो एक पतंग दिख रही है आपको राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो पतंग दिख रही है वो हमारी पतंग है। प्लेयर लड़ा रहे हैं गोलू अंकल जी ने बिल्कुल हाथों पे पेच रख दी है। ये देख सकते हैं 200 गज पतंग आगे रख के भी पतंग कट गई अल्टीमेट पेच काटा। और प्लेयर देख सकते हैं काफ़ी एजियड है नीचे से बोलने का भी मौका नहीं मिला बहुत ही प्यारा पेच काटा यार। सातवां पेच खड़ेगा गोलू बॉस का। प्लेयर को मैं आपको दिखाता हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको पेच क्योंकि पता ही नहीं चला। फास्ट भी लड़ा ऊपर से सही की आवाज़ भी देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया इन अपोनेंट ने बहुत ज़्यादा तो मुझे लगा सही बोलेंगे उसके बाद में ही मैं आपको डायरेक्शन दूँ उससे पहले ही पेच लड़ गया। कई बार ऐसा हो जाता है इस वजह से पेच में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार पेच लड़ भी गया और पता भी नहीं चला। रोहित पेच लड़ा रहे हैं गोलू बॉस के नाम से जिन्हें जाते हैं जानते हैं ऑलमोस्ट सभी गोलू बॉस के नाम से। प्लेयर ऊपर से लड़ा रहे हैं ये और ये हमारे खड़े हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। प्लेयर हमारा खड़ा है राइट हैंड साइड पे लेकिन जो पेच है उनका वो लड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर और हमारा जो अपोनेंट है उसका पेच लड़ेगा राइट हैंड साइड स्क्रीन पर। ऊपर से पतंग ख़राब है इनकी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा राउंड है लेकिन ठीक है पेच लड़वा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पतंग खराब है बहुत ज़्यादा सही हो चुका है गुलू बॉस का सातवा। ज़्यादा कुछ हम पेच के बारे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते बता नहीं सकते क्योंकि खिलाड़ी दोनों ही अच्छे लाने वाले होते हैं तो उनके माइंड में क्या पेच चल रहा होता है वो खुद जाने क्योंकि हो सकता है कई बार प्लेयर से मिस्टेक हो जाती है।
अपोनेंट पतंग को नीचे नहीं रख रहे, काफ़ी अच्छी सतह पर पेच लड़ाते हैं, ऑलमोस्ट सब पेच तैयारी पे लड़ाते हैं ताकि सामने वाले को मारने की भी जगह दी जाए, ऊपर वाले को गद्दा। अल्टीमेट साथ की है बोलू बॉस ने, अभी आते हैं तो मैं इनको दिखाता हूँ। बहुत प्यारा साथ किया ये भाई, लड़ा रहे थे सातवा ऊपर से, बहुत अच्छे पेज लड़ाए इन्होंने भी। लेफ्ट हैंड साइड से रोहित लड़ा रहे और ऊपर से राइट हैंड साइड से अपोनेंट गोलू बॉस ने भी साथ किए हैं। इनका नाम सिर्फ रोहित है जो अभी ये पेज लड़ा रहे हैं। इसके बाद में मुझे चांस दी गई थी, मेरा पेज कट गया। इसके बाद में रोहित भाई लड़ा रहे हैं, बहुत प्यारा पेज काटा। जयपुर की जितनी भी टीम ने कितने खिलाड़ी को लिया ना, मैं और रोहित ही गए, बाकी आनंद। नीचे से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहे हैं रोहित, और दो रोहित हैं मैं आपको भी दिखा दूंगा, और ऊपर से लड़ा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आपको पतंग दिख रही है वो अपोनेंट लड़ा रहे हैं। सही हो चुका है, पेज लड़ रहा है कम से कम 300 मीटर पे। ऊपर से जो पतंग लड़ रही है ये भी थोड़ी सी खराब हो रही है, आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं पतंग थोड़ी सी खराब हो रही है या खराब उड़ा रहे हैं। काफी सोच समझ के पतंग रख रहे हैं। अरे बहुत प्यारा पेच काटा, पतंग हटा देने वाली है ना, पतंग तो खराब थी, बहुत ज्यादा गंदी पतंग, बहुत ज्यादा गंदी पतंग, पर पेच अच्छा काटा। ये है देखिए रोहित गोलू बॉस जिन्होंने अभी साथ किया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नदी है वो ग्राउंड नहीं है, साहिबपुरा से जो अपन कच्चे में उतरते हैं कच्चे में नहीं उतरना, अपनी उस रोड को सीधे सीधे चलते जाओ, कहीं नहीं मुड़ना। अच्छा वो साहिबपुरा वाला ही, फिर वो साहिबपुरा गांव में से निकल जाएगा, बाहर बाहर आते सीधे हाथ से आपको इधर उल्टे हाथ में मसान दिखेंगे, इधर से निकल जाएगा। गुलू बॉस की पतंग आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे है अभी, और प्लेयर भी राइट हैंड साइड पे खड़े रेड शर्ट में। अब आप पतंग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जा रही है, और नीचे राइट हैंड साइड स्क्रीन पर अपोनेंट की। सही हो चुका है, विशाल का पेच बहुत टाइम के बाद, अभी आप जो स्क्रीन पर पतंग देख रहे हैं अब आ चुकी है, पहले तो अभी तो राइट हैंड साइड पे है, चिराग के बाद में देख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड पे हो गई पतंग, और अपोनेंट की जो पतंग है वो स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आ चुकी है, रेंज वही 500 मीटर या 500 मीटर से आगे कह सकते हैं आप। सही हो चुका है, पेज दोबारा कर लिया है, डोर के लिए कह रहे हैं विशाल को। ये विशाल खड़े और ये अपोनेंट खड़े इधर जाफर भाई, ये डोर पे लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ है,
डोर पे लेफ्ट साइड किस तरफ जब बोतल लगता है पानी की इशारा का पेच लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं आप इसमें फाइन की पतंग है वो का है राइट हैंड साइड से अपोनेंट बहुत प्यारा पेच का डक्शन है छूट गई एक बार हो गया तोड़ गई पेच इक्वल हो गया दो 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 ऊपर से पेच लड़ा रहे हैं रोहित दो पेच काट चुके हैं फिलहाल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आपको पतंग दिख रही है वो रोहित की पतंग है दो पतंग कंटिन्यू काट चुके हैं अल्टीमेट पेच काटा फिर से रेंज है 700 मीटर मेरे हाथ में कभी कभी पतंग होती है इस वजह से देखिए आप पेच रिकॉर्ड नहीं कर पाता But now it's hard to mention I don't feel a spark when you say my name Reconnection from separate sections Cause we could meet in the middle with no sense of direction If it's sun up to sundown We mess around We'll wait to evolve now And if I wanted someone to disappear To disappear Range is 700 meters लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर की तरफ से स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो लड़ा रहे हैं रोहित और नीचे से लड़ा रहे हैं राइट हैंड साइड स्क्रीन पर अपोनेंट सही हो चुका है हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी रेंज 800 मीटर हो गई है तो रेंज कुछ ज़्यादा ही है पेच देखने में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा खुद का भी ये देख सकते हैं आप कंटिन्यू चार पतंग काट चुके हैं वैसे तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कमेंट्री कर रहे हैं इस तरीके से करी नहीं जा सकती है क्योंकि ये तरीका गलत होता है अपोनेंट और हमारी टीम के जो भी हैं खिलाड़ी वो उनका पेच होता है उनको पता है क्या मिस्टेक कर रहे हैं और देखने वाले को वैसे भी एक आइडिया मिल जाता है ऊपर पतंग ये रही दोबारा पेच होगा आप सता दे सकते हैं आप कितने ऊपर है पेच दोबारा होगा सो आप देख सकते हैं नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जो पतंग लड़ रही है वो हमारे अपोनेंट लड़ा रहे हैं और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर हमारे रोहित भाई लड़ा रहे हैं सही हो चुका है रेंज वही है 700-800 मीटर मतलब समथिंग और कंटिन्यू चार पेच काट चुके हैं इससे पहले दोबारा पेच हुआ है और मैं ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देखिए एक खिलाड़ी के पेच और मतलब हर एक खिलाड़ी के अलग अलग पेच होते हैं तो वो क्या सोचेगा उसकी थिंकिंग के हिसाब से पेच लड़ते हैं कोई आर पार लड़ाने वाला है तो वो यही सोचेगा कि पेच आर पार करके लड़ाए कोई फंसाने वाले लड़ाना होगा तो वो फंसा के लड़ाने का ही सोचेगा देख सकते हैं प्लेयर बार बार पतंग बचा बचा के लड़ा रहे हैं पेच वापस दोबारा होगा सतह से काफ़ी ज़्यादा पतंग उठ चुकी है ये देखिए आप पतंग है
सतह ये रही, पतंग इनकी ये रही। पेज दोबारा होगा, ये देखिए उभरते हुए खिलाड़ी साथ किए हैं अभी इन्होंने, लाजवाब बेहतरीन। क्या वो नींद आ रही है क्या आपको? नींद आ रही? ओके गुड नाइट। ठीक है विशाल भाई, विशाल भाई पतंग आ रहे हैं। आनंद क्या इसको कैसा है? बढ़िया है, एक साथ हो गए हमारे गोदू बॉस के। अच्छा, और ये रोहित जूनियर है इनका नाम, गुलू बॉस। सात आठ आठ नौ पर्ची आएगी अभी। अच्छा, दो घंटे का गेम बाकी है। विशाल पतंग बना रहा है, क्या पता आज मूड नहीं है विशाल का, थोड़ा सा कम है। अच्छा, शायद मुझे ही साथ बात करने पड़ जाए एक आध बार। ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर रोहित का पेच है, ये चार कार्ड चौथा पेच चढ़ रहा है। वो पतंग हटवा दी गई, पतंग खराब थी और सही हो चुका है। रेंज वही है 700-800 मीटर। बहुत प्यारा पेज का, ये देख सकते हैं हमारे साहिद भाई, कैसे हो भैया? जिन्होंने पतंग लंबी दे रखी है अपनी। अभी कार्ड के पेज दिखाएंगे। तो एक बार भैया आप इंट्रो कर, भैया टीम का अपने आते हैं सर की लेके। हेलो भैया, एक बार जोर से नाम बताइए। हेलो साजिद भैया, ये देखिए मसल्स वसल्स। ओके भैया, हेलो गुलफाम भाई, हेलो इरफान भैया, कैसे हो आप? बढ़िया। देखने को मिलेंगे आपके भी पेज बहुत जल्दी हमको। और रोहित भाई छुप रहे हैं, सामने नहीं आने जा रहे कैमरे के। अच्छा, वो गए कहीं साइड में गए। ठीक है, साथ में खड़े हैं और ये अपोनेंट खड़े हैं उधर, ये रहे अपोनेंट। पांचवा पेश चढ़ते हुए रोहित भाई का, जाने दो जाने दो भैया, गांव के ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो पतंग है वो हमारी टीम की पतंग है। और नीचे राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो अपोनेंट की है, और लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो पतंग है वो हमारी पतंग है। चार कंटिन्यू पतंग काट चुके हैं। बहुत प्यारा पिच, आदिश का पेच है, ऊपर से आदिश है, नीचे से अपोनेंट टीम। बहुत प्यारा पेच काटा देश ने, पतंग सही हो चुकी है। आदिश के ऊपर से वो छत से जो वीडियो बनी थी,
बहुत प्यारा पेच काटा आदेश ने। नीचे से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन से लड़ा रहे हैं विशाल, दो पतंग कंटिन्यू काट चुके हैं। पतंग बहुत ज्यादा हाथों पे उतार के लेके आ गए, देखना ये विशाल करते क्या है। राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जो पतंग है वो अपोनेंट की है, और नीचे से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे विशाल की पतंग बहुत उतार ली है। 200 गज आ गए हैं विशाल की पतंग। बहुत प्यारा पेच काटा रोहित गोलू बॉस का पिच, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से स्क्रीन पर। बहुत प्यारा पेच काटा यार, नीचे से पेच बॉल अजीब सा था, फटा बहुत ज्यादा है। शॉक्ड रह गए सारे प्लेयर इस पेच को देखकर, क्योंकि फटा बहुत ज्यादा है। चाहे कितनी भी सीलन हो, सीलन तो है नहीं, धूप का मौसम है, खिला हुआ पेच बहुत ज्यादा फटा में आ गया। खींची ना पूरी घाट लगती, देख देखे तीन घाट ने। चौथा पेच लड़ते हुए गोलू बॉस का वापस, लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे पतंग गोलू बॉस की, और ऊपर से राइट हैंड साइड से जो पतंग है वो अपोनेंट की है। नौशाद भाई पेच लड़ा रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इनको, जिन्होंने अभी ऑल इंडिया में पेच भी लड़ाया था लखनऊ में, काफी अच्छे पेच लड़ाते हैं। रोहित भैया का गोलू बॉस का पांचवा पेच लड़ते हुए वहाँ पर, हाथ तो जाम बांध दी है इन्होंने। प्लेयर देख ली पूरी पतंग हाथ पे उतार ली, पूरी पतंग हाथ पर है। प्लेयर क्रॉस कर चुकी है पतंग, हाथ पे पतंग है, सद्दे पे पेच। देखते हैं गोलू बॉस क्या करते हैं, शायद झटकेंगे। पेच हाथ पर है गाइस, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको। बाहर खींचेंगे, पेच क्रॉस हो चुका है, पेच बहुत ज्यादा गंदा पेच है ये, पर ठीक है कोई बात नहीं, ये स्थिति गोलू भैया के लिए है, कंडीशन देख रहे हैं कैसे संभाल पाते हैं। और पेच दोबारा की आवाज़ आ चुकी है, मेरी पतंग विशाल संभालते हुए वरना कट जाती, ये रही। प्लेयर दे सकते हैं इनको मजबूरन पीछाना पड़ा है, थोड़ी सी डोर के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो प्लेयर हैं वो हाथ के साथ साथ में पतंग को बहुत ज़्यादा अंदर ले आए थे, मतलब प्लेयर ही बाहर हो गया था। नीचे से जो लड़ा रहा था वो ऊपर से जो पतंग पेच लड़ा रहे थे उन्होंने इतनी अंदर ले ली कि नीचे वाला जो खिलाड़ी है वो ही बाहर हो गया था। उन्होंने ये जगह बनाई है, चलिए पेच दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप
देख सकते हैं थोड़ी सी जगह के लिए फिर से वही बात हो रही है, वो तो हर गेम में थोड़ी बहुत होती है, एडजस्ट करना पड़ता है। परिस्थिति गोलूबिया के लिए है, किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से पेस लड़ाते हैं वो हम देखते हैं। प्लेयर ने अपोनेंट ने क्या गलती करी, मैं अपने एक्सपीरियंस से उससे ज़रूर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन परिस्थिति से जो लड़ते हैं, जो पेच काटते हैं, वही खुद का पेच एक्सप्लेन करते हैं ज़्यादा बेटर रहता है। सेम प्लेयर वापस पतंग को उतारते हुए लेके आते हुए फिर से पूरी पतंग उतार ली, देख लीजिए आप। प्लेयर ये रहे, चुपचाप से खड़े हो गए, अब क्या करें, इनके पास भी कुछ भी कहने को नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव के प्लेयर हैं। इसलिए बेस्ट प्लेयर में से गोलू बॉस, गोलू रोहित, विशाल और भी ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं, लेकिन जिन्हें मैं जानता हूँ ये तीन वही प्लेयर हैं। और भी जयपुर के अंदर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जो शांत स्वभाव से पेच उड़ाते हैं। ये देखिए आप, पेच देखिए आप, डोर सर से बाहर है ऊपर वाले की। वाह यार, वाकई में पेच काटा है लड़के ने, छठा पेच चढ़ेगा इसके बाद में। और आपको अपोनेंट दिखाता हूँ, देखिए ये रहे, बहुत पीछे थे, ये सैंडो के अंदर जो खींच रहे हैं पतंग, दोरा खींच रहे हैं सॉरी। राइट हैंड साइड पे जो पतंग है वो मेरी पतंग है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी टीम की पतंग ऑलरेडी खड़ी है। पट्टीदार अपोनेंट लंबी दे ही रहे हैं, अभी एक पतंग ये और जा रही है इनकी लंबी होते हुए। हरियाली में ट्रैक्टर पानी देते हुए छठा पेच चढ़ते हुए गोलू बॉस का। हालांकि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया था कि मुझे पतंग लड़ानी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि काफ़ी हमारे वन वीक से गेम नहीं हुआ था बारिश की वजह से, अब गेम स्टार्ट हुआ है। बहुत गंदा पेच, क्या करें, प्लेयर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, परेशान होकर पतंग लड़ाई है और पेच कट गया। चलिए मैं पेच लड़ाता हूँ, आप फिर नीचे से कोई खिलाड़ी जाता है तो उसका पेच रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ। नीचे से हमारी पतंग है स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, पट करने के लिए कह रहे हैं, सही हो गया। अपोनेंट ऊपर से, नीचे से रोहित लड़ा रहे हैं, बहुत तेज खींचा रोहित ने, काट दिया पेच। सन्नी वाली वो तो उड़ाई नहीं, वो अच्छी पीयूष भैया पेच चढ़ा रहे हैं, ये खींच के ले गए और पेच कट गया पीयूष भैया का।